कैसी वो खड़ी होगी, क्या कहने का साहब। ये मोहम्मद अली जुहरी साहब की एक लिखी हुई बड़ी मारूफ नात शरीफ जो मदीना पाक के हवाले से है, आज फिर हम सुन रहे हैं। और यकीनन आप लोग महसूस होंगे कि शागिर्द भी उनके हैं और कैफियत भी वही मिलेगी आपको इंशाल्लाह। और हमने खुद अलहाज मोहम्मद अली कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, एक सच्चे आशिक रसूल से ये मदद के फूल सुने, और क्या छोटे से सुर के अंदर, एक सॉफ्ट सी आवाज के अंदर उनका ये रंग कहना कि वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, ये घड़ी ये कैफियत। कारी साहब हम फिर चाहेंगे, असल में हमारा इंटरप्शन का एक ही होता है कि लोगों को थोड़ा नात के हवाले से मदाए कि ये किस बड़े आदमी की लिखी हुई नात शरीफ है। बहुत शुक्रिया। समा हो कैसी वो घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहले नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी। ये कूचाए जाना है आहिस्ता कदम कदम रखना, आहिस्ता कदम रखना, हर जा पे मलाइक की बारात खड़ी होगी, हर जा पे मलाइक के बारात खड़ी होगी। कुछ हाथ न आएगा आकाश से जुदा रहकर, कुछ हाथ न आएगा आकाश से जुदा रहकर, से जुदार कर सरकार की निस्बत से तौकीर बड़ी होगी, सरकार से तौकीर बड़ी होगी। हो जाए जो वाबस्ता सरकार के कदमों से, हो जाए जो वाबस्ता
سرکار کے قدموں سے، سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی۔